हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम JKSSB की तरफ से जो आज इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले हम चल लेते हैं पहले अपडेट की तरफ। पहला अपडेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कहा गया है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स का PM पैकेज वाला एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करे गए थे उनके अब वेरीफिकेशन का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर देखो इतना तो है कि भाई इनका रिजल्ट वगैरह जल्दी आ गया था। अब यहाँ पर कहा गया है कि COVID-19 के बढ़ते केसेस के कारण यूटी जम्मू कश्मीर में यहाँ पे साथ में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह करना है। तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने क्या कहा है, कंक्लूजन पे आए हैं यहाँ पर कि ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है कि बच्चों को वहाँ पर बुला के सामने तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन वगैरह करवाया जाए करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, जो DV करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करने जा रहे हैं, वो ऑनलाइन मोड से करने जा रहे हैं, फेस्ड मैनर से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वेरीफिकेशन होने जा रही है वो आपकी ऑनलाइन मेथड से होने जा रही है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आपको आगे बता देते हैं, पहले यहाँ पे बताया गया कि एग्ज़ाम आपका इतने से इतने के बीच में हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो 20 मई 20 मई से लेकर 31 मई तक आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास उनका PDF फॉर्मेट PDF बनाना है, और आपको इस डेट में, इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आपको लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में JKSSB की, वहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन वहाँ पर भेजने हैं। आपने लॉग इन कैसे कर, अपना रोल नंबर और पासवर्ड जो आपका एडमिट कार्ड में था उसको आप क्लिक करके आप अपना जो है यहाँ पे लॉग इन वगैरह करके वहाँ पर PDF वगैरह सेंड कर सकते हो। और यहाँ पे बताया गया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेंट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए गए थे, इस तरह से सब कुछ आपको यहाँ पर वहाँ पे भेजना होगा और जो PDF फॉर्मेट में बना के। एक तो ये रहा अपडेट, और ये लिस्ट जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे गए थे उन सभी का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जिसका भी नाम है वो जाके इसको ये काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट में जाने से पहले आपको हम क्लास 4 के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास 4 के रिजल्ट की, देखो हमारे जो दूसरा यूट्यूब चैनल है JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हमने अभी तक 2 बार वीडियोस बना के हम इसके बारे में बता भी चुके हैं, हम आगे भी फिर से इसके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पर बात ऐसी है कि जब JKSSB की टीम वहाँ पर काम कर रही है, इतने सारे रिजल्ट पब्लिश किए जा रहे हैं, अब यहाँ पर वेरीफिकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड पर भी करने जा रहे हैं, तो क्लास 4 के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, हमें यह नहीं समझ आ रहा। इसके बारे में जो डे 2 वाली वीडियो थी हमारे पास, प्रोटेस्ट डे 2, मैंने आपको कहा था उस वीडियो को इतना शेयर करना कि वो JKSSB की टीम तक पहुँचे, ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकाल के हमें मेंशन करें कि रिजल्ट आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम वगैरह तो ऐसे कुछ लग नहीं रही है, कुछ ना कुछ स्टाफ तो वहाँ पर काम कर ही रहा है, तो वो इतना डिले क्यों कर रहे हैं, हमें एक नोटिफिकेशन करके बता दो डिले क्यों किया जा रहा है। वैसे तो रिजल्ट आना चाहिए, बट अगर कोई सॉलिड रीज़न है तो हमें एटलीस्ट वो बताओ, ताकि इतने सारे कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ जवाब तो मिले आपकी तरफ से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप JK लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पे विजिट करो, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, अभी कल या परसों वीडियो अपलोड करी है प्रोटेस्ट डे 2 वाले, आप जाके देख लेना, थंबनेल में लिखा होगा प्रोटेस्ट डे 2, उस वीडियो को शेयर जरूर करना, उस टीम तक पहुँचा देना, क्योंकि अपने एंड पे मैं मीडिया से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा किसी भी तरह से, JKSSB से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर पा रहा हूँ, किसी तरह के रिप्लाई वगैरह मिल नहीं रहे, तो अपने एंड पे मैं कर रहा हूँ, आप सभी ने सपोर्ट करना है। हम चाहते हैं जल्दी ही JKSSB के ऑफिशियल वेबसाइट में क्लास 4 को लेकर भी कुछ आए। आगे चलते जो दूसरा अपडेट था आज का वो भी देख लेते हैं एक बार। दूसरा अपडेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रेफरेंस को लेकर आ चुका है भाई, प्रेफरेंस आपको फिल करनी होगी, जिन्होंने भी ये फील्ड असिस्टेंट थर्ड, फील्ड सुपरवाइज़र, ये सारे जो वैकेंसीज वगैरह था इनका आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस वगैरह के बारे में कहा गया, तो प्रेफरेंस वगैरह भाई फिल कर देना, इस तरह से आपके सामने बताया गया है, डिटेल्स आपके सामने हैं, अगर आपने एलिजिबल अपने फॉर्म वगैरह अप्लाई किया तो आप प्रेफरेंस वगैरह भी फिल कर देना यहाँ पर। इतना आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी लेके जाता हूँ एक। तो ये रही वो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे 2 नोटिफिकेशन आज की डेट पे आपके सामने आए हैं, तो ये जाके आप चेक कर लेना। और बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्लास 4 के रिजल्ट को लेकर, तो यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं भाई क्लास 4 के रिज़ल्ट का भी कुछ ना कुछ आए। तो फिर से बोलूँगा एक बार, वो वीडियो जो JK लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी है उसे जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। जल्दी ही प्रोटेस्ट डे 3 भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे हम कुछ और बड़ा करेंगे, और जो प्रोटेस्ट डे 2 वाली वीडियो है ना उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके मैं जो है उस वीडियो में अपलोड वगैरह करूँगा, तो अच्छा सा कोई कमेंट वगैरह कर देना ताकि उसको मैं स्क्रीनशॉट ले सकूँ। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू एंड जय हिंद।